वीडियो के अंदर हम बात करना था क्लियर कट AI बैकग्राउंड रिमूवर एप्लीकेशन के बारे में, जिसको आप AI की मदद से आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं अपने फोटोज के अंदर से, और किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है तो वो भी आगे वीडियो के अंदर हम बात करना। यहाँ पर मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ प्राइवेसी जो भी मतलब पॉलिसीज वगैरह होंगी, तो यहाँ पर मैं फोटो वगैरह यहाँ पर आप मैं चूज़ कर लेता हूँ अपनी जो भी मतलब फोटोज वगैरह आपको यहाँ पर बैकग्राउंड रिमूव करना है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं कर्सर पे रिमूव बैकग्राउंड वगैरह आप यहाँ पर मैं शो कर लेता हूँ। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर मैं इस तरीके से बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकता हूँ। आप चाहे तो ऑटो कलर वगैरह कर सकते हो, आप रिपेयर साइज वगैरह यहाँ पर मैं ऑटो कलर वगैरह कर सकते हो, थ्रेशोल्ड वगैरह आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो, इरेजर का आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो और आप इसे रिमूव कर सकते हो अपने हिसाब से, और यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो बैकग्राउंड रिमूव का, और यहाँ पर सिंपल इस टाइप से आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर रिपेयर का ऑप्शन आता है, रिपेयर के थ्रू आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिपेयर का भी ऑप्शन आता है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर आप। और यहाँ पर मैं जैसे यहाँ पर बैक लेता हूँ, तो यहाँ पर आप जैसे लैसो वगैरह का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर आप सीधे मार्किंग करके आप मतलब बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर मार्किंग कर रहा हूँ, तो उसके थ्रू आप बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हो यहाँ पर मैं से। तो सिंपल यहाँ पर इस एक सेकेंड यहाँ पर मैं तो ओके यू वांट टू एग्जिट, और यहाँ पर चूज फोटो के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं कोई भी एक फोटो वगैरह यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर ले दूँ। तो एक सेकेंड यहाँ पर मैं रिसेंट इमेजेस वगैरह, तो यहाँ पर मैं कोई भी एक इमेजेस वगैरह यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर, सपोज यहाँ पर मुझे इस इमेज को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आप कर्सर वगैरह सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर आप कर्सर वगैरह सिलेक्ट करना है, और आप कर्सर वगैरह सिलेक्ट करके आप सिंपली आप यहाँ से इसे यूज भी कर सकते हो। रिपेयर साइज आप यहाँ से मतलब सिंपली आप अपने हिसाब से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो अपने हाथों से, और यहाँ पर आपको ऑटो कलर का भी ऑप्शन आता है, तो इसके थ्रू आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर आप लैसो को यूज़ कर रिपेयरिंग का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप रिपेयर भी कर सकते हो। इस तरीके इस टाइप से आप चीज़ों को रिपेयर भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है, जिसके थ्रू आप अलग अलग बैकग्राउंड वगैरह आप ऐड कर सकते हो अपने फोटोज़ के अंदर, या फिर वीडियोज मतलब फोटोज़ के अंदर आप बैकग्राउंड वगैरह ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप मैं साइन इन कर ले दो, और सिंपल आप इसे सेव भी कर सकते हो अपने इसके अंदर आप व्हाट्सअप के अंदर। बात कर रहे किस तरीके से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने की लिंक मैंने अपने कमेंट्स के अंदर दे रही है। जैसे आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस टाइप से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चाहिए दोनों यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा वेट कर लेना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, प्रेस कर, यहाँ पर आपको बैक आना है, और बैक आने के यहाँ पर आपको सबसे पहले और दोनों यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर बैक ले लेता हूँ। यहाँ पर अनलॉक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो।